सभी भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में जो आपके नए प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने लॉन्च किए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि वो प्रोडक्ट आपकी कामयाबी में चार चांद लगाएं, आपको और कामयाब करें, आपको और समझदार करें, आपको और स्थापित करें हर तरह से। दोस्तों, इससे थोड़ा सा भी आगे जाने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया, इतना इज्जत, इतना सम्मान दिया जिसके शायद मैं लायक भी नहीं था। मगर परमात्मा ने बहुत कम मुझे जीवन में मौके दिए हैं कि जब मैं स्टेज पर हूं, आज मैं बात कर रहा हूं, और जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे बात करना सिखाया, वो सामने बैठे हैं। आज मेरी माँ यहाँ आई हुई हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध यह है, आपने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत मेरे लिए तालियां बजाई हैं, अनुरोध है दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से एक बार ये तालियां मेरी माँ के लिए बजा दीजिए। आज मैं छोटी छोटी ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें, ऐसी छोटी छोटी कहानी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिन घटनाओं ने, जिन बातों ने मुझे जीवन में कामयाब होने में मदद करी, जब मैं परेशान था, संघर्ष करने में मदद करी, अपने विश्वास को स्थापित करने में, उस पर भरोसा करने में मदद करी, मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ अपने काम पर, बाकी सारी परेशानियों को छोड़ सकूँ, उन चीज़ों में मदद करी, प्लान कर सकूं, उन सब चीज़ों में मदद करी। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें कहानियों के रूप में आपसे शेयर करूंगा, छोटी छोटी दो तीन चार कहानियां आपसे शेयर करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि ये कहानियां आपको भी कामयाब करने में मदद करें, ये उतनी ही कारगर साबित हों आपके साथ भी जितनी मेरे साथ थी। ये कहानी बहुत समय पहले मैंने पढ़ी थी कहीं, आज आपके साथ शेयर करता हूँ इसको। एक बार कहीं पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी हुई थी, जो लोग कैनवस पे पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, और अलग अलग तरह के कलाकार उस प्रदर्शनी में भाग ले रहे थे, और बहुत सारे लोग उनको देखने आए थे, और ये डिसाइड करना था कि सबसे अच्छी इसमें तस्वीर कौन सी है, पेंटिंग कौन सी है। तो बहुत सारी तस्वीरों की तारीफ हुई, एक तस्वीर ऐसी थी जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे, ये बनाया क्या, ये है क्या। तो जब सब लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो लोगों ने पूछा, यार ये जो तस्वीर है, जिसने इसको बनाया है उनको बोलिए, वो भी तो आके बताएं ये क्या है, क्योंकि अब डिसाइड करने का समय आ गया है कि सबसे बेहतरीन तस्वीर कौन सी है, और हमें लगता है ये तो कहीं स्टैंड नहीं करती, पर फिर भी जाने तो सही ये बनाया क्या है। वो मैं आपको तस्वीर समझाता हूँ कि क्या बनाया था उन्होंने, जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने पेंट किया था, उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा ये तस्वीर, पहले मैं बताता हूँ तस्वीर कैसी थी। तस्वीर में चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, आगे बहुत उलझे हुए बाल थे चेहरे पे। वो लड़का है या लड़की है ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चेहरे पे बहुत सारे उलझे हुए लंबे लंबे बाल हैं, आगे बाल हैं, पीछे के हिस्से में बाल भी नहीं है, इतने हिस्से के बाद सर गंजा है। और उस तस्वीर के पांव भी नहीं थे, पंख थे पीछे, चेहरा दिख नहीं रहा है, पीछे से गंजी है, तस्वीर में पीछे बाल नहीं है, आगे आगे बाल हैं, उसमें चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, और पांव नहीं है, पंख हैं। और उससे भी अजीब बात थी, उस तस्वीर में जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने जो पहना हुआ था वो कपड़े भी फटे हुए थे। तो
जिन्होंने उसको पेंट किया था उसको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ये क्या बनाया आपने। उन्होंने कहा ये अपॉर्चुनिटी की तस्वीर है। अपॉर्चुनिटी कैसी होती है उसकी तस्वीर है, मौका सुअवसर कैसा होता है कैसे दिखता है उसकी तस्वीर है। उन्होंने कहा मौका, कहते हाँ जीवन में कोई भी मौका जो आपको कामयाबी दे, जो आपको खुशी दे, जो आपको सुकून दे उसकी तस्वीर है। तो उन्होंने कहा समझाइए। उन्होंने कहा देखिए इस तस्वीर के जो चेहरे पे मैंने बाल बनाए हैं इससे ये साबित होता है कि आप मौके को पहचान नहीं सकते, आप पहचान नहीं पा रहे हैं ना ये क्या चेहरा है, लड़का है या लड़की है। इसी तरह आप मौका नहीं पहचान पाएंगे कि वो लड़का है या लड़की है या ये मौका है। उन्होंने कहा ठीक है आगे बताएं। उन्होंने कहा इसके मैंने पांव नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब भी जीवन में आपके लिए कोई भी सुअवसर आएगा कोई भी मौका आएगा तो उसके कदमों की आहट आपको सुनाई नहीं देगी। कैसे आता है मौका, चल के आपके पास आ रहा है, उसके कदमों की आहट नहीं है। ठीक है जी आगे बताएं। उन्होंने कहा कि आपने पीछे से इसके बाल नहीं रखे हैं वो क्यों किया है, वो क्या किया है। उन्होंने कहा कि जब ये पलट के जाने लगेगा तो पीछे से आप बालों से पकड़ सकते हैं तो बाल ही नहीं है, जब मौका आपके हाथ से निकल जाएगा तो आप चाहकर भी पकड़ नहीं पाएंगे, और जितनी आहिस्ता से आया है उससे कई गुना तेजी से चला जाएगा, इसलिए पंख हैं। आते वक्त पांव नहीं है, आते वक्त चेहरा नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि जो उसके फटे हुए कपड़े हैं ना ये साबित करते हैं कि ये मुसीबत के रूप में आएगा, परेशानी के रूप में आएगा, चैलेंज के रूप में आएगा। क्योंकि जीवन में अगर आप देखें कोई भी बड़ी घटना घटी आपके जीवन में, कोई भी परेशानी आपके जीवन में आई, वही अगर आपने उसका सामना किया, अगर आपने उसको झेला, अगर आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी तो वही परेशानी आपके लिए जीवन की बहुत बड़ी कामयाबी बन गई। इस कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया, इससे मुझे यह फायदा हुआ कि जीवन में जब भी चैलेंजेस आए मैंने इस कहानी को याद किया और मुझे सोचा कि यह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं भागा नहीं, कोशिश की कि उसको फेस किया जाए। तभी तो देखिए हमारे पुराने जमाने में जितने राजा महाराजा थे वो अपनी एजुकेशन के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, जाते थे ना गुरुकुल में, और ज्यादातर गुरुकुल जंगल में होते थे, आपको राजमहल छोड़ के जाना पड़ता था। इसी से एक और घटना याद आती है, ये महाभारत के समय की घटना है, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा छोटी छोटी कहानियाँ मैं आज लेकर के आया हूँ, इसको मैंने अपनी नज़र से देखा है, मैंने इसको ऐसे नहीं पढ़ा है, ये मेरे खुद के दिमाग की सोच है, इसको मैंने अपनी नज़र से अपनी समझ से देखने की कोशिश की है। हो सकता है ये उतनी सटीक ना हो जितनी हमने जीवन में पहले समझी है, पर यकीनन ये आपको मदद कर सकती है आपके जीवन में कामयाब होने के लिए। जब कौरव और पांडव गुरु द्रोण के आश्रम में युद्ध कला के लिए सीखने के लिए गए, ज्ञान के लिए गए, तो जब गुरु द्रोण उनको तीर कमान चलाना सिखा रहे थे और उन्होंने दूर एक पेड़ पे चिड़िया बांधी थी, ये घटना सबको मालूम है ऑलमोस्ट, इतना तो क्लियर है, तो गुरु द्रोण ने एक शर्त रखी, सारे कौरव पांडव थे उन्होंने दूर एक पेड़ पे चिड़िया बांध दी और ये कहा कि वही सबसे अच्छा धनुधर होगा जो चिड़िया की आंख में निशाना लगाएगा, बहुत दूर चिड़िया बांधी थी, और वो जिसको भी जिस भी शिष्य को बोलते कि तुम जाओ और जाके कमान खींच के तीर, कमान पे तीर खींच लो, कमान पे तीर चढ़ा करके, धनुष पे तीर चढ़ा के कमान खींच लो लेकिन तीर नहीं छोड़ना, जब आप अपना पूरा निशाना साध लोगे, तीर कमान पे खींच लोगे तो मैं तुम्हारे पास आके एक प्रश्न करूंगा, तुमने मुझे उस प्रश्न का जवाब देना है फिर कमान से तीर छोड़ना है।
उन्होंने कहा ठीक है। एक एक करके सब ने निशाना साधा, जहां से जिस पॉइंट से उन्होंने कहा था कि इस पॉइंट से आपको तीर चलाना है, उस पॉइंट पे गए, वहां जाकर तीर खींचा, और जब उन्होंने निशाना ले लिया तो गुरु द्रोण उनके पास गए और उन्होंने एक ही प्रश्न सबसे किया था, पर अलग अलग तरह से। एक ही प्रश्न था, उन्होंने पूछा, भीम से पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, जितने भी और नकुल, सहदेव, दुर्योधन, सबसे पूछा कि दूर पेड़ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो सबके जवाब थे, पेड़ हैं, पत्ते हैं, जमीन है, चिड़िया है, उसकी आंख है, आसमान है, ये है, वो है, और आसपास पेड़ हैं। हर बार इसी तरह का जवाब था, ऑलमोस्ट इस तरह से मिलता हुआ कि पेड़ हैं, पत्ते हैं, जमीन है, आसमान है, चिड़िया है, चिड़िया की आंख है। इसी क्रम में अर्जुन की बारी आई, सेम सवाल अर्जुन से भी था कि अर्जुन तूने अपने तीर पे, अपने कमान पे तीर को खींच लेना है, धनुष पे अपना कमान खींच ले, लेकिन छोड़ना नहीं है। जब तू निशाना साध लेगा तो तुझसे एक प्रश्न करूंगा, तूने मुझे इस प्रश्न का जवाब देना है, तब तीर छोड़ना है। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव। जब अर्जुन ने वो सारा काम कर लिया तो गुरु द्रोण गए उसके पास और पूछा, अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन का जवाब था, गुरुदेव चिड़िया की आंख। और उन्होंने बोला छोड़ तीर, निशाना सही लगेगा। और इतिहास में यह लिखा है कि अर्जुन का ही तीर चिड़िया की आंख पे लगा था और किसी का नहीं। इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसा नहीं जिस दिन मैंने नेटवर्किंग शुरू करी, या चेतन जी ने शुरू करी, या सरब जी ने, या सुमित जी ने शुरू करी, या और कुछ, या बहुत सारे आपके अपलाइंस जिन्होंने शुरू करी, तब बहुत आसान थी, तब परेशानियां नहीं थी। ऐसा नहीं है, परेशानियां तब भी थी, परेशानियां आज भी हैं, परेशानियां हमेशा रहेंगी। पर आपका निशाना चिड़िया की आंख पे होना चाहिए, पत्तों पे, पेड़ पे, आसमान पे, जमीन पे नहीं। अगर निशाना चिड़िया की आंख पे है, चिड़िया की आंख कामयाबी है, तो निशाना सही लगेगा। दोस्तों, मैंने अपने जीवन के अनुभव से जो सीखा है, एक बात आपसे शेयर करता हूं। मेहनत कामयाबी की मोहताज नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मेहनत कामयाबी की मोहताज नहीं है, कामयाबी मेहनत की मोहताज है। अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। एक और छोटी सी घटना है, जैसे आपको यहां आपके टारगेट पे हमेशा नजर रखने के लिए समझ में आता है। इस कहानी से मैं हमेशा ये समझा कि आप अपनी कामयाबी पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करें। परेशानियां रहती हैं, रहेंगी, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ आज मेरे सामने है। जिंदगी में मैं जब गरीबी के दिन जी रहे थे हम लोग, मैं अपनी माँ से बोलता था, माँ तूने ये जो बेटा पैदा किया ना, ये सिर्फ पैसे कमाएगा। मुझे मत कहा कर कि रिश्तेदारों के यहाँ शादी पे जाना है, उसके यहाँ बर्थडे पे जाना है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा कहीं। ये बात मैंने आपसे पहले बहुत बार करी है, पर अपनी मां के सामने नहीं करी है। क्यों मां ऐसा था? मैं कहीं नहीं जाता था। मैं बोलता था, मां मैं इतने पैसे कमाऊंगा तेरी सात पुश्तें नहीं खा पाएंगी, पर मेरी नजर चिड़िया की आंख पे है। मुझे चिड़िया की आंख दिखाई देती है, मुझे बाकी चीजें मत देखने को बोल, मैं नहीं देखूंगा। मेरी मां बहुत बार गुस्सा होती थी। मेरी माँ कहती थी कि हमारे रिश्तेदारों को पता ही नहीं है कि मेरा बड़ा बेटा कौन है। मैं बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, एक दिन तेरे बड़े बेटे के नाम से दुनिया जानेगी तुझे, चिंता मत कर। एक और छोटी सी कहानी जो मुझे लगता है आपको मदद करेगी, आपकी कामयाबी में, आपकी परेशानी के दिनों में आपको जरूर मदद करेगी, बशर्ते आप याद रखें।
जब परमात्मा ने दुनिया बनाई, उसको आप परमात्मा कहें, जीसस कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, मेरे ख्याल से वो एक ही के नाम है। सारी नदियां समुंदर में जाके मिल जाती हैं, समुंदर ही है। तो उन्होंने क्या किया कि सबको बोला कि जाओ नीचे, अपना अपना रोल निभाओ, अपना अपना काम करो। तो जब उन्होंने ये आदेश सबको दिया तो उस वक्त तीन दोस्त थे, धन, ज्ञान और विश्वास। जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उन्होंने सबको बोला, जितनी भी चीजें थी, कि तुम जाओ और नीचे जाके अपना अपना रोल निभाओ। तो उस रोल निभाने में, तब उस वक्त जहां परमात्मा के पास वो तीन दोस्त थे, धन, ज्ञान और विश्वास, ये तीनों दोस्त थे। अब उनको नीचे जाके अपना अपना रोल प्ले करना था। तो धन से पूछा गया कि धन ने पूछा अपने दोस्तों से कि यार एक बात बताओ, हम नीचे चले जाएंगे, अगर कभी मिलना हो तो कहाँ मिलेंगे हम? अपनी जगह तो बताओ, हम कहाँ मिलेंगे? तो धन ने कहा, यार मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं कहाँ मिलूँगा। उसने कहा, मैं मिलूँगा बड़े बड़े सेठों की तिजोरी में, बड़े बड़े बैंकों में, बड़े अमीर लोगों के की तिजोरियों में मिलूँगा। मैं तो वहाँ मिलूँगा, मैं तो वहाँ रहा करूँगा। ठीक है। अब ज्ञान से पूछा गया कि आप कहाँ मिलोगे? ज्ञान ने कहा, मैं बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों के पास मिलूँगा, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास मिलूँगा, बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेसर्स में मिलूँगा, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में मिलूँगा, मुझसे मिलना हो तो वहाँ आना। ठीक है। अब विश्वास से पूछा कि तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो तुम कहाँ मिलोगे, ध्यान से सुनना। विश्वास ने कहा, अगर मैं एक बार चला गया तो कभी नहीं मिलूंगा। धन सबके पास नहीं होता है, कम लोगों के पास होता है और सेम तादाद में, सेम मात्रा में नहीं होता है। ज्ञान सबके पास नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे का विश्वास शुरुआत में सबके पास होता है या नहीं? लेकिन जब हम अपना विश्वास खो देते हैं, एक बार विश्वास चला जाए नहीं आता दोबारा। तो दोस्तों, हमारे काम में जो भरोसा आपने अपने दोस्तों को दिया है वो जाने मत दीजिएगा। अगर एक बार चला गया कभी दोबारा नहीं आएगा। जीवन में मुझे बहुत समय के बाद एक बात समझ में आई, जिसको मैं सुनता बहुत समय तक रहा, पर मुझे समझ में बहुत, उस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लग गया। जैसे इस बात का एग्जांपल देने के लिए मैं एक बार एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैंने एक समय था जब मैं शेर व शायरी को पढ़ना लिखना बहुत पसंद करता था, बहुत समय तक लिखता रहा, पढ़ता रहा। ये मेरे दोस्त बैठे हैं बचपन के, इनको पता है मैंने बड़े शेर व शायरी लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं। खैर, वो समय चला गया। तो तब मैं गालिब, मीर, तकी मीर, इनको पढ़ा करता था। तो एक शेर पढ़ा मैंने जो मीर तकी मीर ने लिखा था, गालिब के समय के वो शायर थे। तो गालिब ने उस शेर को पढ़ा और पढ़ने के बाद गालिब ने कहा, मतलब अपने दीवान खाने में अपने लोगों को कहा कि कोई जाके मीर से कहे कि ये शेर दे दे और मेरा सारा दीवान खाना ले ले। मतलब गालिब ने उस शेर को पढ़ के, वो इतने उससे इम्प्रेस हुए कि गालिब ने ये कहा कि जाओ कोई मीर से जाकर ये कहे कि ये शेर मुझे दे दो और जितनी भी आज तक मैंने शायरी लिखी है सब ले लो। यानी कि इतना शानदार वो शेर था। और वो शेर क्या था, वो नीचे लिखा हुआ था। जब मैंने वो शेर पढ़ा, सुना, तो मुझे लगा यार इतना घटिया शेर, मतलब ये शेर तो मुझे ऐसा लगा कि बस पे खड़ी थी, मतलब पता नहीं क्या है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि गालिब गलत था, इसका मतलब ये है कि मुझे ही उतनी समझ नहीं है। सही है? गालिब ने जिस बात से इम्प्रेस हुआ, गालिब में कोई कमी थी या मीर के लिखने में कोई कमी थी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मैं ही नहीं समझ पाया, मुझे ही उस शेर की गहराई नहीं मालूम। ये बात मैंने क्यों बोली
क्योंकि जीवन की एक बात मैं अभी आपसे शेयर करने लगा हूं, बहुत ताकतवर बात है, उसको समझ में आने में मुझे बहुत साल लग गए। दुनिया की या इंसान को कामयाब होने के लिए जो सबसे बड़ी ऊर्जा है ना, सबसे बड़ी ताकत है, वो आपका शरीर, आपका पैसा, आपका स्टेटस, आपका ज्ञान नहीं है। आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी ताकत है आपका सपना, और उस सपने पे भरोसा, और भरोसा करने के बाद उसके लिए कड़ी मेहनत। जब जिंदगी में मैं नाकामयाबी की लाइफ जी रहा था, तो जब मुझे किसी ने बताया कि बड़े सपने देखो, तो मुझे लगा बड़े सपने देखने से क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा बड़े सपने देखो और उस पर भरोसा करो और उस चीज को अचीव करने के लिए कोशिश करो। मुझे इस चीज को समझने में सालों लग गए। भगवान ने सपना देखने की ताकत हम सबको दी है, उस पर भरोसा करने की ताकत हम सबको दी है। हमारा बस इतना सा ही काम है कि हमें सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत। आपकी कामयाबी आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। आखिरी कुछ शब्द आपसे शेयर करता हूं, एक छोटी सी कहानी और शेयर करता हूं, ये भी मैंने कहीं पढ़ी थी, उम्मीद करता हूं ये भी आपको सपोर्ट करेगी जिंदगी में कामयाब होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। शतरंज कितने लोगों को आती है खेलनी, या पता है कि शतरंज भी कोई खेल होता है? बहुत सारे लोग हैं, आप हाथ उठा सकते हैं सर अगर आती हो तो। थैंक यू जी, धन्यवाद। शतरंज की कहानी है, शतरंज के ऊपर कहानी है। कहते हैं जिस भी इंसान ने शतरंज का आविष्कार किया था वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत बड़े, बहुत ज्ञानवान इंसान थे, ऐसा माने आप। और वो अपने गांव में उन्होंने इस खेल को डेवलप किया और वो खेलने लगे अपने दोस्तों से। खेलते खेलते वो खेल प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध होने के बाद वहां के जो राजा थे उसके राजा तक ये खेल पहुंचा। राजा भी उस खेल को खेलने लगा और आनंद आने लगा, वो उस खेल से आनंद लेने लगा। राजा ने पूछा यार ये खेल किसने बनाया है? तो उन्होंने बोला जी फलां गांव में एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, उन्होंने बनाया है। राजा ने बोला उसको बुलाओ, उसको लेकर आओ। वो राजा जो था तो अच्छा लेकिन कंजूस था, ये बात पूरे राज्य में पता थी। तो राजा के सिपाही उस इंसान के पास गए, उस टीचर के पास गए और उनको बोला कि आपको महाराज ने बुलाया है। उन्होंने क्यों बुलाया? कह रहा महाराज आप वाला खेल खेलते हैं जो आपने बनाया है शतरंज, और उससे बहुत प्रसन्न है, शायद आपको इनाम दें। अच्छा, उसको ये बात मालूम थी कि राजा कंजूस हैं, अगर मैंने कुछ भी मांग लिया तो देंगे नहीं, बड़ा मांग नहीं सकता और अगर उन्होंने अपने आप दिया तो छोटा देंगे। पर यह भी बात पक्की थी अगर राजा दरबार में यह कह दें कि मैंने आपको दिया तो फिर वो वचनबद्ध हो जाएंगे, उनको देना पड़ेगा फिर वो देंगे। तो उसको लगा ये अच्छा मौका है, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। उसने कहा ठीक है जी चलिए। वो राजा के दरबार में चले गए। राजा ने बोला कि ये खेल तुमने बनाया है? उन्होंने कहा हाँ जी मैंने बनाया। उन्होंने कहा मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं खुश होकर के तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। ठीक है महाराज। लेकिन राजा ने कहा देखो मैं दरबार में बैठा हूं, मांगना अपनी औकात से, क्योंकि कंजूस था तो उनको यह कह नहीं सकता था कि कुछ भी मांग लो। उसने कहा आपको मैं इनाम दूंगा, मांगना लेकिन अपनी औकात से, ज्यादा नहीं मांग लेना, अगर आप अपनी औकात से मांगोगे तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो उनका महाराज शतरंज जो आप खेलते हैं उसमें 64 खाने होते हैं। कहाँ होते हैं? महाराज मैं एक चावल का दाना आपसे मांगता हूं, क्या मुझे दे सकते हैं? क्या आपको लगता है मेरी औकात के बराबर है? महाराज ने उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, अरे तुम एक बोरी मांगते, दो बोरी, 10 बोरी, 100 बोरी, 1000 बोरी हम देते, ये क्या हुआ? कह रहे महाराज बस एक चावल का दाना
शतरंज के पहले खाने में रख दीजिए और अगले जब खाने में जाएंगे तो उसको डबल कर देना, दो कर देना। एक शर्त के साथ मैंने मांगा है महाराज, पहले खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में दो चावल के दाने, तीसरे में चार दाने, चौथे खाने में आठ दाने, पांचवें खाने में 16 दाने, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, ऐसे करके डबल डबल करते जाइए और 64 खाने में जितने चावल आ जाएं मुझे बस वो दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या महाराज मुझे ये मिल सकता है? तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कहा था तुम अपनी औकात से मांगना, ये तो तुमने बहुत कम मांग लिया, तुम और मांग लेते। कहते महाराज बस मुझे इतना ही दे दो, मेरे लिए बहुत है। क्या आप वचन देते हैं मुझे इतना देंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं वचन देता हूँ, मैं आपको इतना दूंगा। कह रहे ठीक है। अब जो उनके उनके पास लोग खड़े थे जो माधव महाराज को सपोर्ट करते थे, उन महाराज ने कहा जाओ भाई अनाज लेकर के आओ और इन 64 खानों में उतने चावल के दाने डाल दो जितना कहते हैं। ठीक है। वो जाकर के एक बोरी ले आए। जब वो एक बोरी लाए तो जो वो टीचर थे जिन्होंने वो खेल बनाया था वो हल्का सा हंसे और कहते आप थोड़ा सा कम लाए हैं। तो उन्होंने बोला आपने मांगा ही कम है, कुछ नहीं होता। उन्होंने चावल की बोरी खोली, अब वो एक दाना रखा, दो रखे, चार रखे, आठ रखे, करते करते जो 14, 15, 16 खानों तक गए तब उनको गिनती करना मुश्किल हो गया। तो एक ने उनको सलाह दी, एडवाइस दी कि इसको तोल लेते हैं, इसके बराबर रख लेंगे अगले खाने में, 1 किलो है तो 2 किलो कर लेंगे। उनका ये भी अच्छा आइडिया है। अब वो 1 किलो हो गए, 2 किलो हो गए, ऐसे करने लगे, 5, 7, 10 खाने और गए, अब परेशानी हो गई। अब उनको लगने लगा कि महाराज ने जो वचन दिया है ये कुछ गड़बड़ है। तो राजा ने कहा कि ऐसा है आप आज का दिन आराम करें, हम जरा मंत्रणा करेंगे फिर आपको कल देते हैं। कह रहे ठीक है महाराज मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं आप ही के महल में ठहरा हूँ, चिंता ना करें। वो आराम करने चले गए। सारे उनके जितने भी मंत्री थे सारे बैठ के हिसाब लगाने लगे कि बताओ ये चावल कितने बनेंगे, आप भी घर जाके जरूर लगाइएगा, चिंता ना कीजिए। जब उनके ज्ञानवान लोगों ने हिसाब लगाया तो उन्होंने ये सोचा कि महाराज अगर हम अपने पूरे राज्य की सारी धरती पे चावल उगाएं और अगले 50 साल तक उगाएं तो ये 64 खाने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर 60वें खाने में 10 लाख किलो चावल आ गया तो 61वें में आएगा 20 लाख किलो, 62वें में 40। तो उन्होंने कहा महाराज जिस जो आपने वचन दे दिया है ये आप कभी पूरा नहीं कर सकते और आपके बारे में ये प्रसिद्ध है कि अगर आप वचन दे देते हैं तो वो निभाते हैं। तो महाराज उनको अकेले में लेकर गए शाम को घूमने के लिए कि आओ मेरे भाई मैंने तुम्हें अपनी औकात के में मांगने के लिए कहा था, तुमने क्या मांग लिया। तो उस कहानी में लिखा था कि महाराज ने उनके साथ नेगोशिएट किया कि भाई तूने बहुत ज़्यादा मांग लिया और मैंने भी अनजाने में हाँ कर दिया, तू एक काम कर एक छोटी सी स्टेट ले ले वहां का राजा बन जा, मेरा पीछा छोड़। तो कहते हैं कि उस टीचर को एक छोटी सी रियासत का राजा बना दिया गया। ये कहानी मैंने आपसे क्यों शेयर करी और वो आदमी आराम से जीने लगा, ये बात मैंने आपसे शेयर क्यों करी, क्यों आपसे साझा करी ये बात? यही कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं, डुप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बाहर के लोग हैरान होते हैं कि इन बच्चों के पास तो पैसे ही नहीं थे, कल तक तो ये 2 ही लोग थे, अभी साल पहले तो कुछ था ही नहीं इनके पास, आज ये कहते हैं लाखों रुपए कमा रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, शतरंज का खेल है समझना आसान है। दोस्तों शतरंज में अगर आपने शतरंज का खेल देखा है तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं हाथी घोड़ा राजा वजीर सब पीछे होते हैं, आगे प्यादे होते हैं, पता है ना। और उस खेल की एक बहुत कमाल की बात है जब आपका प्यादा अपने एरिए से दूसरे एरिए के आखिरी खाने में पहुंच जाता है तो उसमें वजीर की ताकत आ जाती है, पता है नहीं पता है? बहुत कम लोगों को पता है। ये खेल क्या कहता है कि जब आप शतरंज खेलते हैं तो जो आगे प्यादे होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं, उनको मारना आसान होता है, लेकिन वही प्यादा लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते अगर दूसरे के फील्ड के आखिरी खाने में चले जाए तो वो प्यादा नहीं रह जाता,
उसकी वजीर वाली ताकत हो जाती है। हम भी वही प्यादे हैं दोस्त जो लड़ते लड़ते दूसरे के आखिरी खाने में चले गए। इसलिए हम वजीर हैं। आज हम सब अपने अपने नेटवर्क के राजा हैं, वजीर हैं दोस्तों, क्योंकि हम भी लड़ते संघर्ष करते हुए प्यादे ही थे, पहले यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है, आपके साथ आज जो नए लोग आए हैं जिनकी वजह से हम बने हैं, हमें भी उनको सपोर्ट करनी है। वो भी आज प्यादों की तरह हैं, हमने उनको भी वजीर बनाना है ताकि हम हमेशा राजा बना रहें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आपने मेरी माँ के लिए तालियां बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू जी।